नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जोर शोर से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने आज सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते को जुटाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान यादव महासभा, ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा में सीएम मोहन यादव का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। सीएम ने कहा कि चाहे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो या विश्वनाथ धाम की या महाकाल लोक की स्थापना, ये सब मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की जय। जय सियाराम। परशुराम जी भगवान की और भगवान सहस्त्रबाहु की, नर्मदे मैया की, रानी दुर्गावती की, शंकर सा, रघुनाथ सा की, हरदेश सा की, हम सबका सौभाग्य है। पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के मैं समय से देरी से आया और हेलीकॉप्टर वाला कह रहा आप उतरो ही मत, आप सीधे जबलपुर चलो, अब सूर्यास्त का समय हो गया, हम उड़ नहीं पाएंगे। हमने कहा भैया कुछ भी कर ले, 10-5 मिनट का टाइम दे दे, मैं अपने लोगों को प्रणाम कर लूं, यही बहुत है मेरे को, यह आशीर्वाद मिल जाए, मैं आनंद में आ जाऊंगा। बोलो बात सहमत है कि नहीं, ताली बजा के बता दो इतना आना पर्याप्त है कि नहीं। मेरे हजारों हजार भाई बहन अभी इंतजार कर रहे हैं और मैं नहीं आऊं, ये कैसे हो सकता है। आज के इस अवसर पर आप सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं। हमारे अपने लखनादौन विधानसभा में यहाँ मेरे साथ मंच पर मौजूद, ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें, मंच पर मौजूद आलोक दुबे जी जिला अध्यक्ष, जोरदार ताली आलोक जी के लिए। विधायक कमल मर्सकोले जी, जोरदार तालियां कमल जी के लिए। और विधायक दिनेश राय, जोरदार तालियां दोनों के लिए। राकेश पाल जी मेरे अभिन्न मित्र, यहाँ के पूर्व विधायक, जोरदार तालियां उनके लिए भी। वैभव पवार जी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, जोरदार तालियां। नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन आपने काम भी बहुत सारा बता दिया, तो मुझे मंत्री जी हमारी संपत्तियां बहन के लिए जोरदार तालियां, संपत्तियां उनके जी के लिए। अभी ये मंच की सभा चलती रहेगी, बाकी सब काम चलता रहेगा, मैं सीधा निकल जाऊंगा 5 मिनट के लिए अपनी बात समाप्त करते हुए। आप अंदाज लगा लो, अगर मोदी जी की सरकार है तो मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन है तो क्या क्या मुमकिन है। मुमकिन है मोदी जी के होने के कारण से, तो आपके अपने यहाँ के सांसद मंत्रिमंडल में मुमकिन है। जोरदार तालियां बजाओ फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए। मोदी जी है तो मुमकिन है हमारे अपने पोषण आहार के बेगा जातियों के 1500 रुपए उनके खाते में जाने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। मोदी है तो मुमकिन है अयोध्या में भगवान राम मंदिर को बनाने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ जय जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है विश्वनाथ के धाम और महाकाल का महालोक सहित 44 अलग अलग प्रकार के देवस्थान। अरे जगमगा रहा है तो किसके कारण जगमगा रहा है। मोदी है तो मेरे को आवाज नहीं आ रही, मोदी है तो। और केवल अयोध्या में नहीं, अयोध्या से लगा के अरब तक, कहां है अबू धाबी अरब में, और वहां हमारे भगवान राम का धाम जगमगा रहा कि नहीं जगमगा रहा है। गोपाल कृष्ण भी है, गणेश जी भी है, जो देवी देवता मानो वो सब है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बदलते दौर में 80 करोड़ लोगों के लिए निशुल्क अनाज देने की ताकत किसी में है तो मोदी है तो। 2.5 लाख का शहर में, 1.5 लाख का गांव में जिसको मकान नहीं है उसको मकान देने की क्षमता 22 करोड़ लोगों को, क्योंकि मोदी है तो। जोरदार ताली बजाओ पाकिस्तान की, तो क्या सिट्टी पिट्टी घूम करी है वो पाकिस्तान, जिससे पूरा देश परेशान रहता था, हैरान रहता था। सीमा तो छोड़ो, दिल्ली बंबई बम फोड़ते थे, अब बम का दम निकला के नहीं निकला, आकाश का परचम लहराया। और अब तो कृष्ण कन्हैया का टाइम है, मथुरा बुला रही है, आओ गोपाल, काहे को देर करी, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी
के मजवाला, हम तो क्या सहस्त्र बाबू क्या परशुराम, 5000 साल पुराना हमारा आपका संबंध। परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था और सहस्त्र बाबू उसी वंश की अगली कड़ी जो महेश्वर से दुनिया में अपना नाम का झंडा भगवान सहस्त्र बाबू ने भी नहीं झुकाया, दुनिया में फहराया था और भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। तमाम प्रकार की नाना प्रकार के झंझट आए लेकिन सबको निपटकर अपने सारे देवी देवताओं ने हमेशा मार्ग प्रशस्त किया और दुनिया के अंदर भारत का नंबर वन का स्थान बनाने के लिए और मध्य प्रदेश को नंबर वन का राज्य बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। अपने प्रदेश के अंदर जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े, चित्रकूट से लगा के सभी दूर सभी तीर्थ के रूप में बनेंगे, सबको विकसित करेंगे। और जहां जहां गोपाल कृष्ण के भी चरण पड़े वो भी उसी मोदी है तो जोरदार ताली बजा के बताओ मोदी है तो एक बताओ दो बताओ तीन बताओ कितनी सारी बात बताओ। आंख पे पट्टी हाथ में तराजू न्याय की मूर्ति दंड संहिता अंग्रेज खड़े करके दंड संहिता 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही। अरे हमारे यहाँ तो न्याय को मान्यता है, दंड को कहाँ है? हमारे यहाँ तो धर्म दंड चाहिए। लेकिन ये आईपीसी को बदल करके मोदी जी ने कहा अगर आंख पे पट्टी बंधी और न्याय करेगा तो ये नहीं हो सकता। न्याय करने के लिए तो आंख खोलना जरूरी। कांग्रेस की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है लेकिन मोदी जी ने कहा जनता की आंखें तो खुली हुई है क्योंकि मोदी है तो तालियां बजाओ। हमारे देवी देवताओं का आदर था, हमारे समय सम्मान नहीं होगा तो किसके समय सम्मान होगा? सभी पशुपालक सभी गोपाल जिनके घर में गाय भैंस है और कृष्ण को तो सब मानते ही हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। किसान की आय बढ़ाने के लिए जो जो करना वो सब करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए? और तो और बीमार कोई हो जाए तो हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने घर में उतारते थे ले जाते थे। कांग्रेस के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़े लोगों की चीज थी। हमारी सरकार ने निर्णय किया कोई भी गरीब आदमी अगर किसी का बच्चा बच्ची बड़ा बूढ़ा कोई भी भर्ती है और हॉस्पिटल में बड़े जगह ले जाना है वहां इलाज की व्यवस्था और अच्छी कराना हो तो सरकार ने निर्णय किया है कि डॉक्टर के लिखने पर और कलेक्टर को साथ जोड़कर हम निर्णय करेंगे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, सबको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस देने का काम हम करेंगे। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं लगातार अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को अपने राज्य के अंदर चित्रकूट जाना हो, मैयर की माता जी जाना हो, महाकाल जाना हो, ओंकारेश्वर जाना तो हेलीकॉप्टर सेवा चालू कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा हमारे देवी देवता के लिए क्यों नहीं जाएंगे? जोरदार तालियां बजाओ, अपनी सरकार वो सब करेगी। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ढेर सारी योजना लेकर के आए। लाडली बहना का आनंद मिल रहा कि नहीं मिल रहा? किसके पैसे रुके? जोरदार ताली बजाओ लाडली बहना के लिए। किसी प्रकार की कोई योजना 5 तारीख को आपका पैसा भी आपके खाते में आने वाला है। ये हमारी सरकार है, कांग्रेस ही करे ये नहीं देंगे, बंद कर देंगे बंद कर देंगे। हमने कहा तुमको नहीं मालूम है भाजपा की सरकार है जो कहती वो करती है। हाँ बंद कर देंगे बंद कर देंगे तुमने कम सुना। कांग्रेस पार्टी को बंद कर देंगे जो कर्म की है ही नहीं वो अपने दुर्भाग्य को रो रही है। कांग्रेस पार्टी में ताला लग रहा है। कांग्रेस के लोगों जो अच्छे लोग हैं सच्चे लोग हैं आगे बढ़ करके देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं वो सारे के सारे लोग भाजपा में आ रहे हैं क्योंकि भाजपा में आकर के विकास के माध्यम से देश सेवा कर सकेंगे। आने वालों का जोरदार स्वागत करो जो जो भाजपा में आ रहा है। सारे बंधुगण ये नाम बताएंगे बहुत सारे। आनंद पंजवानी के नेतृत्व में 200 कार्यकर्ता आ रहे हैं, जोरदार तालियां बजाओ। और 30 लोगों का अलग से लंबी सूची बहुत बड़ी, आप पढ़ देना जरा फग्गन सिंह जी, मसराम जी जिला पंचायत जी। और जैसे ही वो आए तो कांग्रेस का जो स्वभाव है, कांग्रेस के प्रत्याशी छत्तीसगढ़ वाले छिंदवाड़ा वाले वो कह रहे हैं ये गद्दार है बिके हुए है। अरे इनके पास गालियों के अलावा बचता क्या है? दे दे गाली जितना देना है। भगवान कृष्ण के काल से हमने शिशुपाल की गाली का उदाहरण दिया था, एक नहीं दो नहीं 100 गाली 100।
और उसके बाद जो सुदर्शन चक्र चला कि पता ही नहीं चला, ये जनता भी ऐसे गाली देने वालों के लिए सुदर्शन चक्र चलाएगी, बोला चलाएगी कि नहीं चलाएगी। तो आपकी सबकी उंगली के अंदर सुदर्शन चक्र है, आपको अपनी उंगली बचा के चलना है। 19 तारीख के दिन आपको अपना बटन दबाना है, सुदर्शन चक्र चलेगा, कांग्रेस कट के मरेगी, पता नहीं चलेगा कहां जाएगी, किसके पास जाएगी। जोरदार तालियां बजाओ, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आगे की कहानी बाद में सुनाऊंगा, अब अगली बार आऊंगा, समय लेकर आऊंगा। और जीत का जुलूस निकालेगा फग्गन सिंह कुलस्ते जी का अपनी विधानसभा में, जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि हेलीकॉप्टर वाले बार बार संदेशा दे रहा है, अगली बार विस्तार से बात करेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।